प्रत्येक चीज सोच से ही शुरू होती है, इसलिए जॉन डिस्पेंसर की यह स्पीच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप समान विचारों के बारे में सोचते हैं तो समान विचार समान विकल्पों की तरफ ले जाते हैं, और समान विकल्प समान व्यवहार की तरफ ले जाते हैं। समान व्यवहार समान अनुभवों को निर्मित करते हैं, समान अनुभव समान भावनाएं जगाते हैं। तो अगर आप भी पुराने विचारों में खोए हुए हैं तो ये आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, आप वहीं घूमते रहेंगे जहां हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आप आगे जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। लेकिन नए विचार आपको नए विकल्पों की ओर ले जाते हैं। नए विकल्प नया व्यवहार बनाता है, नए व्यवहार नए अनुभव बनाता है, और नए अनुभव नई भावनाएं जगाते हैं, और यही है जो क्रांति की प्रेरणा देता है। आप जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व ही वास्तविकता का जनक है, और आपका व्यक्तित्व कैसे बनता है यह आपको सोचना है। जैसे आप कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं, हम कह सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व आपकी स्थिति है, क्योंकि बहुत से लोग नई वास्तविकता को व्यक्तित्व के समान बनाते हैं, पर वास्तव में यह कार्य नहीं करता। आपको वास्तव में कोई और बनने की आवश्यकता है, इसलिए बदलाव की नदी को पार करो, पुराने अनुभव से नए अनुभव की ओर चलें, जो आपको अज्ञात की ओर ले जाएगा। और जब आप अज्ञात में हो और आप असहज महसूस कर रहे हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपराध बोध को पीछे छोड़ आए हैं, आप अयोग्यता को पीछे छोड़ आए हैं। आप लोगों के अंदर जो बड़ी समस्या देखते हैं वह यह है कि वे धन कमाना चाहते हैं लेकिन वे कमी महसूस करते हैं, वे एक नया जीवन चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। और हमारा यह प्रयोग दिखाता है कि आप लोगों को सिखा सकते हैं कि कैसे अपने शरीर को पुनर्स्थिति में ला सकें, जिससे कि एक स्वस्थ दिमाग विकसित हो पाए, और जब वह हो जाता है तब वे अपने जीवन को बहुत शक्तिशाली चीज़ों का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। अब न्यूरोसाइंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में न्यूरोसाइंस है जो वैसे ही काम करता है जैसे कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है। और अगर एक विधि से आप दोनों के दिमाग को बाहर निकाल कर देखा जाए तो संभवतः आप उनमें भेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें समान संरचना है, और हम इसे सर्वत्र सत्य मानते हैं, और इसे ही हम स्थूल संरचना कहते हैं, क्योंकि आप और आपके पास बैठे व्यक्ति दोनों समान मस्तिष्क रखते हैं और एक जैसा ही अनुभव करते हैं। जब हम कुछ इस तरह से सोचते हैं कि आपके पास एक हाथ है और वह हाथ उसी तरह है जैसे कि उस व्यक्ति का जो आपके पास बैठा है, लेकिन जो आपको दूसरे से अलग बनाता है वह है आपका फिंगरप्रिंट, जो आपको अपनी अलग पहचान दिलाता है। और वास्तव में यही कुछ अलग स्थूल संरचना है जो आपके हाथ से संबंधित है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है और आपके व्यक्तिगत सत्य को एक करता है। और इसका जवाब है संस्कृति। संस्कृति को हम पर्यावरण से परिभाषित करते हैं, जहाँ हम रहते हैं। पर्यावरण कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, जगह समय जिन्हें आप प्यार करते हैं, लेकिन समस्या उनके साथ है जो धन की प्रतीक्षा में बैठे हैं जिससे कि वे समृद्धशाली बन सकें। वे लोग जो अपनी सफलता के इंतजार में बैठे रहते हैं, आपको अपने धन के लिए सोचना होगा जिससे आप उस जीवन के लिए अच्छा महसूस कर सकें। वास्तविकता का नया सिद्धांत एक प्रभाव डालता है, जिसका मतलब है आप प्रत्येक दिन नए अनुभव के लिए आभारी रहें। आप खुद को सशक्त महसूस करने के लिए सफलता का इंतजार नहीं कर सकते, आपको सशक्त बनने के लिए सफलता को प्राप्त करना होगा। और यदि आप पिछले भाव के साथ जी रहे हैं तो आप अपने भविष्य को पिछली जिंदगी के नज़रिए से देख रहे हैं और आपका उद्देश्य धुंधला नजर आएगा, पर जब आप और ऊंचाई पर जाएंगे तब आपको लक्ष्य बिल्कुल साफ नजर आएगा। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।